अपनी बेटी को जरा संभाल लूं वरना हाथ से निकल जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं। मेरे घर में बैठी हुई थी किसी लड़के के साथ, और पता है वो लड़का कौन है? कासिम का दोस्त है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं तो सोनिया से मिलने आई थी। अच्छा, तो ये भी सोनिया से मिलने आया था? अम्मी, मैं वो बेशर्म, बेहया है, क्या कर रही हो ये तुम? घर में बैठ के लोगों की मुलाकातें करवा रही हो? हाँ आंटी, प्लीज उसको कुछ मत कहें, उसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों बगैर बताए आ गए थे। मुंह बंद रखो तुम अपना, तुम्हारी मंगनी हो रही है ना कासिम के साथ, और यहाँ तुम उसी के दोस्त के साथ। तौबा तौबा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम। बस आंटी, बहुत बोल लिया। तुम तो अपनी बकवास जरा बंद करो और निकलो यहाँ से बदमाश कहीं के। आइंदा तुम मेरे घर के करीब पे नजर आए ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। निकलो यहाँ से। अरे निकलो, क्या देख रहे हो? चलो निकलो बाहर, जाओ यहाँ से। और तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। निकलो यहाँ से, तुम तो चलो जरा इधर। राजदा, वो मिठाइयां मंगा ली तुमने? हाँ, वो मैंने कासिम को बोल दिया था। चार्ज नीला, तुम यहाँ? हाँ मैं। अपनी बेटी को जरा संभाल लूं वरना हाथ से निकल जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ। मेरे घर में बैठी हुई थी किसी लड़के के साथ, और पता है वो लड़का कौन है? कासिम का दोस्त है। ना तुम मुझे ये बताओ कि कासिम का दोस्त तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या बताओ, अपनी बेटी से पूछो। तुम्हारी बेटी से ना पूछूं? क्यों? लेकिन मानूर तो अपनी दोस्त सोनिया के पास गई थी सैलून का पूछने के लिए। अरे जहां आ रहा वो लड़का इसी की बेटी ने बुलवाया होगा। उसका इल्जाम ये हमारी बेटी पर लगा रही है। सुनो अनिला, हमारी महनूर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और वैसे भी आज उसकी माशाल्लाह से मंगनी है मेरे कासिम के साथ। ठीक है, ना करो मेरी बात का यकीन। जब उसने कोई कारनामा सर अंजाम दिया ना, तो दोनों सर पकड़ के रोना। अरे जबान संभाल कर बात करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं बकवास कर रही हूँ ना? बढ़िया ही, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वाली, जा रही हूँ मैं, देख लेना तुम लोग। इसकी बातों की टेंशन मत लो, ये दोनों। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।